तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने जो बताया था कि कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे जो फंडामेंटल्स में जो है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे, मैंने बोला था। तो आज मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ये सिखाऊँ, ठीक है। तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैप कुछ मतलब ये जो सिखाऊंगा मैं कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से ही सिखाऊंगा, मतलब कुछ क्वेश्चन के हेल्प से ही सिखाऊंगा। तो कुछ क्वेश्चन मैंने लेके आया है आज के लिए। तो ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के टाइम पे पढ़ा था उसको मैं एक और बार रिवाइज करा दूँ क्या, कि इफ़ देर इज़ नो पार्टनरशिप डीड और नथिंग इज मेंशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब अगर कोई पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाया है और अगर बनाया भी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है उसमें, क्या नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ, नथिंग इज मेंशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, या फिर देर इज नो पार्टनरशिप डीड, कोई पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं है, देन आपको ये चीज याद रखना होगा, देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट अलाउड, ठीक है। नो पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ पॉइंट मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी है कि हम लोग को ये ध्यान में रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी निकलेगा अगर बोला हुआ है, दैट मीन्स क्वेश्चन में बोला हुआ है, दैट मीन्स हमको ये मानना पड़ेगा कि वो पार्टनरशिप डीड में भी है। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो निकालना है, अगर नहीं मेंशन है तो नहीं निकालना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल क्या लिया है, देखते हैं आज का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ही हम लोग सीखेंगे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। सो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेट अस सी वन एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, क्वेश्चन को फटाफट से इन शॉर्ट कॉपी में लिखना एंड इसको मैं कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं लाइव यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, रूमी एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है, देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2018, यहाँ पे ध्यान देना है, देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वेर रुपीज 4,80,000 एंड रुपीज 5,40,000। तो यहाँ पे दो पार्टनर है, वन इज रूमी, अनदर वन इज साक्षी, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म ओपन किया है और इनका जो कैपिटल का स्टेटस है कब, 1 अप्रैल 2018 में, एक जन का है 4,80,000 एंड एक जन का है 5,40,000। तो किसका 4,80,000 किसका 5,80,000 होगा, फर्स्ट में रूमी का नाम है तो रूमी का 4,80,000 एंड साक्षी का 5,40,000, ये 1 अप्रैल 2018 में इनका कैपिटल है। बोला है ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 में दे डिसाइडेड द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो टोटल कैपिटल होगा फर्म का वो 10 लाख हो जाएगा। अभी कितना है, अभी ये 4,80,000 प्लस 5,40,000, 10 लाख से ज़्यादा ही है। तो उन्होंने बोला कि 10 लाख हम लोग अपना डिसाइड कर लिया कि अपना कैपिटल 10 लाख रखेंगे टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली, और वो क्या होगा, दोनों मिल के इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। ये कब डिसाइड किया, ये डिसाइड किया 1 अक्टूबर 2018 को। तो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 10 लाख का आधा रूमी देगी जो कि है 5 लाख एंड आधा साक्षी को देना पड़ेगा जो कि है 5 लाख, दैट मीन्स उनका कैपिटल चेंज होने वाला है। पहले 4,80,000 और 5,40,000 था, तो रूमी का 4,80,000 है, इसको और 5 लाख बनाने के लिए रूमी को 20,000 लेके आना पड़ेगा, राइट, एंड साक्षी का 5,40,000 था पहले से, तो उसको 5 लाख बनाने के लिए 40,000 ये क्या करेगा, निकाल लेगा, तो दोनों का 5 लाख 5 लाख कैपिटल हो जाएगा। तो ये थोड़ा कैपिटल में चेंजेस उनका मिडिल ऑफ द ईयर में आया है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, मतलब उनके पार्टनरशिप डीड में क्या कहा गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू द पार्टनर 6% पर एनम, उनको 6% पर एनम के रेट पे जो है इंटरेस्ट मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो ये स्टार्ट कब हुआ, ईयर 1 अप्रैल 2018, तो फाइनेंशियल ईयर अगले साल मार्च 31 2019 को एंड होगा, तो मार्च 31 2019 को इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है ये आपको कंप्यूट करके दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन को आई थिंक शॉर्ट में लिख लिया होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपल कैलकुलेशन है परसेंटेज वाला जो छोटे क्लास में किया हुआ है, कैसे करना है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन को मैं साइड कर देता हूँ ताकि यहाँ पे सॉल्यूशन कर पाऊंगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक एक करके कैलकुलेट करेंगे, पहले हम रूमी का कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
और रूमी। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ ध्यान देना किस तरीके से सर लिख रहे हैं, वैसे ही आप प्रेजेंट करेंगे आंसर को। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर रूमी हो गया, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो रूमी का पहले देखो, फर्स्ट अप्रैल से लेकर ये 1 अप्रैल 2018 में उसका कितना था, 4,80,000 का कैपिटल था। और ये कब तक था, इन्होंने 1 अक्टूबर 2018 में चेंज कर दिया, तो यानी कि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, तो अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को तो चेंज हो गया, दैट मीन्स इतने सारे मंथ में क्या है उसका कैपिटल 4,80,000 है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 मंथ हो गया। तो फर्स्ट लिखेंगे ऑन रुपीस कितना, 4,80,000 फॉर 6 मंथ, ठीक है, ब्रैकेट में दिखा देना, 1 अप्रैल 2018 टू 1 अक्टूबर 2018। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 2018 मतलब एक्चुअली सितंबर तक हो रहा है, 1 अक्टूबर से तो अक्टूबर मंथ शुरू हो रहा है, इसीलिए हमने सितंबर तक लिया। तो 6 मंथ का इसका कितना होगा कैलकुलेट करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, तो कैलकुलेट करो, 4,80,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ, 6/100, ठीक है, 6% इसलिए 6/100, और 6 मंथ का है इसलिए 6/12, मंथ को ईयर में चेंज हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर में दिया, पर एनम में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये 0,0,0,0 कट हो जाएगा, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, नाउ ये 3 × 4,80,000, 3 × 4,80,000 कितना होगा, 3 × 4,80,000 नहीं, 3 × 4,800, 3 8 जा 24, कैरी ओवर 2 3 4 जा 12, 13 14, 14,400, ठीक है, मतलब 14,400 हुआ ऑन रुपीज 4,80,000। और ये कब तक हमने कैलकुलेट किया, 6 महीने का, तो बाकी 6 महीने इसका कैपिटल कितना था, 10 लाख, दोनों ने 5 5 लाख कंट्रीब्यूट किया है ना, तो ये हो जाएगा ऑन रुपीज 5 लाख फॉर अगेन 6 मंथ, ठीक है, इस तरह से डेट ब्रैकेट में लिख देना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12, ठीक है, कैलकुलेशन ये 0 0 कट कर दो, ऐसे ही कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है, तो इसका कितना बन रहा है, ये छोटा छोटा चीज़ नहीं मिस करना है ना, रुपीस का साइन देना, इसका बन रहा है 3 5 जा 15 एंड 0 0 0, इसका बन रहा है 15,000, ठीक है। तो रूमी को टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ऑन 31 मार्च 2019, वो हो जाएगा 29,400, ठीक है। तो ये हमने एक जन का कैलकुलेट किया, इसी तरह से साक्षी का भी कैलकुलेट करेंगे, नोट कर लेना इसको, अभी मैं दिखाता हूँ साक्षी का कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। साक्षी का कैलकुलेट करने के लिए मैं ज़्यादा कुछ एडिट नहीं करता, यहाँ से इसका नाम हटा देता हूँ, ये अमाउंट हटा देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टेटमेंट सेम रहेगा, और आप लोग अपना कॉपी में मत काटना, आपको जो है फ्रेश कर, एंड ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग किसका कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे साक्षी का, कि साक्षी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है। तो देखो ऑन रुपीस साक्षी का, जैसे रूमी का पहले कितना था, 4,80,000 था 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, तो साक्षी का उस जगह पे कितना था, 5,40,000 था, तो ऑन रुपीज 5,40,000 फॉर 6 मंथ कितना होगा, ये कैलकुलेशन करेंगे, तो 5,40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, कैलकुलेशन कर दो फटाफट से, कॉमर्स के स्टूडेंट कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, 2 3 जा 6, और ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, कैरी ओवर 1 3 5 जा 15, 16 और 2 0 है, तो यानी कि 16,200, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम देखो फिर से, जब दूसरी बार कैपिटल जब चेंज हुआ तब दोनों का 5 लाख हो गया, क्योंकि 10 लाख उन्होंने इक्वली डिवाइड करने का डिसाइड किया था, तो
इसका मतलब इस बार साक्षी का भी 5 मंथ फॉर नेक्स्ट 5 लाख फॉर सिक्स नेक्स्ट 6 मंथ वो कितना हो जाएगा, 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12, 0 0 काट दो ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, ₹15,000, तो 16,200 एकदम बराबर में लिखना है ये सब, है ना, जो लिख रहा हूँ। हो सके तो कॉलम बना लेना, कॉपी में ऐसे कॉलम बना लेना, एकदम बराबर में लिखना, और जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे उतना अच्छा मार्क्स। नाउ ये हो जाएगा 6 5 11, 31,200। अब तुम लोगों को मैं एक एक ऐड करके तो नहीं सिखाऊंगा, 12 के बच्चे हैं तो ये फटाफट से ऐड करना। तो ये ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी कैलकुलेट करना है जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। पार्टनरशिप डीड में मेंशन होने का मतलब क्वेश्चन में बताया हुआ रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लाइक दिस, ठीक है। तो ये था किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, और भी कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसको फटाफट नोट करो।